अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं गोट हेड मुंडी, बकरी की मुंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये हमने तेल लिया है 4 से 5 टेबल स्पून, और कुछ खड़े गर्म मसाले हैं जिसमें बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा। इसको अच्छे से हमको पकाना है, कड़ल करना है थोड़ा। और ये 1 कप 4 मीडियम साइज ऑनियन है, इसको मैंने चॉप किया हुआ है एकदम बारीक चॉप। इसको तेल में डालिए और अच्छे से भूनिए। अच्छे से इसको फ्राई करिए। इसको हमको ब्राउन नहीं करना है, गुलाबी करना है। एक मसाला हमको रेडी करना है, धनिया है, जीरा है, छोटी इलायची है, 2 लौंग है, 4-5 टेबल स्पून धनिया है, 8 से 10 छोटी काली मिर्ची है, 1 बड़ी इलायची है और 1 तेज़पत्ता है, थोड़ा सा शाही जीरा है 1/4 टीस्पून। इसको अच्छा भून के हमको लेना है। और 1 स्टार एनाइस है, 1 फूल है। पाउडर बना लीजिए। देखिए रेडी है। और ये देखिए कांदा भी हमारा रेडी हो गया है। नहीं, हमको पिक करना है। ये मुंडी है बकरी की, इसको अच्छे से हमने साफ किया है 8-9 पानी से, हमने एकदम उसको क्लीन किया है। छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी आप निकाल देना मुंडी में रहते तो। और इसमें ऐड करिए अच्छे से, छोड़ के डालिए बोटियों को। अच्छे से मिक्स करिए, अच्छा भुनिए, बहुत अच्छा भुनना है आपको इसको। चार से पाँच मिनट तक अच्छा भुनिए आप कांदे में मुंडी को। मसाला बनाना है, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का, 8 से 9 हरी मिर्चें हैं और 8 से 10 का लहसुन है कलिया, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इसको अच्छा पेस्ट बना दीजिए, फ्रेश डालिए इसमें, रखा हुआ मत डालिए। और डाल के अच्छा भुनिए आप कांदे और मुंडी के अंदर, अच्छा भुनाई करिए। और ये 3 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर को भी चॉप किया हुआ है, इसको भी अच्छा भुनिए, इतना भुनिए कि बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। और मैंने हल्दी डाला है 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर 2 टीस्पून और चिली पाउडर अपने हिसाब से डालिए, मैंने 3 टीस्पून डाला है। सॉल्ट 1 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने हिसाब से डालिए। और जो हमें धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब पीस के रखा था पाउडर, वो ऐड करिए। और आप इसे भुनाई अच्छा करिए। अच्छा भुनिए, उसमें आपने 2 गिलास 2.5 गिलास इतना गरम पानी करिए, और गरम पानी इसमें ऐड करना है, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना है। थोड़ी सी मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ऐड किया है इसमें, थोड़ी सी। अच्छे से मिक्स करिए। गरम पानी जो हमने रेडी किया है वो ऐड करिए, इससे जल्दी से भाप बनेगी और गोश्त में अच्छा गल जाएगा। अगर हम गरम पानी ऐड करते हैं तो गोश्त में गलने के वक्त। और इसको आप 4 से 5 सीटी लीजिए। अच्छा गोश्त गल जाएगा आपका। देखिए हमारा रेडी हो गई है मुंडी, और थोड़ा भून लीजिए, कोथमीर में डाल लीजिए और सर्व करिए।
इंशाल्लाह आप ट्राई करिए, आपको रेसिपी पसंद आएगी। देखिए गल भी गया है, अच्छा गोश्त। चलिए अल्लाह हाफिज़।